सो हे गाइस, फाइनली मैं इंडिया जा रहा हूँ अपने घर। और आज मेरी फ़्लाइट है श्रीमतवो एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए। एयरपोर्ट से मैं जा रहा हूँ, तो बाकी मैं अभी ये होटल से चेकआउट कर रहा हूँ। ये फालतू सा होटल था 5000 रुपये का। तो गाइस, जर्नी में काफ़ी मज़ा आने वाला है, मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ यहाँ का मॉस्को का शहर। तो अभी मैंने टैक्सी लगा दिया है और टैक्सी भी आ रही है, तो आई एम एक्साइटेड। तो चलिए फिर चलते हैं बाहर और अपना लगेज वगैरह मैं लेके चलता हूँ नीचे, फिर टैक्सी भी आ जाएगी, फिर चलते हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट। ठीक है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, रिसेप्शन एरिया। ये फालतू सा हॉस्टल है, कभी बुक ना करियो। और मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारे यहाँ से। तो कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है, यहाँ से काफ़ी नज़दीक है एक मेट्रो ट्रेन स्काया करके है। ये वाली मेरी लगेज है, बाकी एक हैंड बैग है, दो लगेज बैग्स हैं। और ये है होटल एंड्रोन, जो कि एक नंबर की बेकार, बस 3 स्टार है, कभी इसको बुक मत करना, ठीक है। फालतू है एकदम, हॉस्टल से भी बदतर है, ना फैन है, ना कोई एसी है, ना कुछ है, 5000 लगे हैं फालतू के। तो गाइस, फाइनली मैं चेकआउट कर चुका हूँ अपने होटल से और मैं अभी वेट कर रहा हूँ टैक्सी के लिए। तो टैक्सी आती होगी, अभी 3 मिनट में आ रही है। यांडेक्स टैक्सी मैंने बुक किया है, जो कि वही है 1200 रूबल की, यहाँ से श्रीमतवो एयरपोर्ट के लिए। काफ़ी दूर है इसलिए 1200 लग रहा है, क्योंकि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर्स है यहाँ से, और 1 घंटे लगेंगे जाने में। ये हमारा टैक्सी आ गया है और मैं अपना लगेज वगैरह लेके बोर्ड करता हूँ, ठीक है। तो ये है टैक्सी और चलते हैं फिर अंदर, ठीक है। ये मेरा लगेज लोड हो रहा है टैक्सी में और अभी मैं इस गाड़ी से जाने वाला हूँ एयरपोर्ट में, और मैं दिखाता हूँ गाड़ी। ये होंडा का सोलारिस, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। सामान अंदर रख के फिर फ्रंट सीट पे बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। तो मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, कुछ ऐसा है मॉस्को का रोड। उधर सामने ट्रैम आ रही है, देख सकते हो, एसी भी नहीं चल रहा कार में। गाइस चलो फिर चलते हैं अंदर, चेक इन वगैरह करवाते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ का टर्मिनल लगेज है। बाकी मैं चलता हूँ अंदर, यहाँ पे यहीं से हम लोग का खोद है मतलब एंट्रेंस, यहाँ से इसका एंट्रेंस है टर्मिनल सी का, ठीक है। यह है टर्मिनल सी का एंट्रेंस, सी का ना अभी खोद टर्मिनल सी। मैंने एंट्री ले ली यहाँ से, बाकी चल रहा हूँ मैं टर्मिनल की ओर, लिफ्ट से जाना है, लिफ्ट है ना, तो वहाँ से अपन चलेंगे ऊपर। ये रही भाई लिफ्ट, लिफ्ट ही लिफ्ट, हर तरफ लिफ्ट है। ये भाई जल्दी अंदर भाई, एक्साइटेड हूँ पूरा। एंट्रेंस है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चेक नहीं हो रहा है। गाइस फाइनली मैंने सिक्योरिटी चेक इन पास कर लिया है और अभी मैं चल रहा हूँ अपने चेक इन काउंटर्स की तरफ, और मैं दिखाता हूँ आपको एयरपोर्ट्स का एंट्रेंस
यहाँ पे हो रहा था सिक्योरिटी का चेक, बहुत तगड़ा चेक था भाई, बैग खुलवा के चेक कर लिया उसने, पानी में निकाला। बाकी ये है एयरपोर्ट का एंट्रेंस, सिक्योरिटी के बाद का एंट्रेंस है। बाकी मैं वहाँ से एंट्री लिया था, जो तो टैक्सी देख रहे हो ना वहाँ पे, वहाँ से मैंने एंट्री लिया था। बाकी कुछ ऐसा है व्यू बाहर का और अंदर, और ये रही मेरी लगेज। मैं फिलहाल जा रहा हूँ अपने चेक इन काउंटर की तरफ, ठीक है ना। ये रहा गाइस एंट्रेंस, मेन एरिया, चेक इन एरिया एयरपोर्ट का। वहाँ कसम इतना बिल्कुल लग रहा है यार, सेक्सी लग रहा है, सेक्स एकदम। वाओ, यहाँ पे दारू वारू मिल रही है, क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है। बाकी ये है टर्मिनल, देख सकते हो भाई साहब कितना बड़ा है और इतना खूबसूरत है ना। अभी पता नहीं चेक इन हम लोग का शुरू हुआ है कि नहीं, मैं इसकी बात कर रहा था। क्या क्रिएटिविटी है, वाओ गाइस। फाइनली मेरा चेक इन हो चुका है यहाँ से, और कि मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ, वहाँ से मैं लूँगा अपनी फ़्लाइट एयरपोर्ट की। ये रही मेरी बोर्डिंग पास, वापस से सिक्योरिटी में सब कुछ करना पड़ेगा, इतनी बड़ी सिक्योरिटी एरिया। चलो ये सब गाइस मैंने फाइनली सिक्योरिटी पास कर लिया है, और इधर कस्टम्स भी थे। और गाइस ये रशिया का इमिग्रेशन एरिया है, यहाँ पे हम लोग के पासपोर्ट पे स्टैम्प लगता है कि हम लोग यहाँ से डिपार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है, और ये देखो स्टैम्प भी लग चुका है। और गाइस ये आप देख सकते हैं, ये फ्लाइट्स रेडी हैं बोर्डिंग के लिए, काफ़ी सारी फ्लाइट्स हैं। ये आ गए अपन ड्यूटी फ्री एरिया में, काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे, परफ्यूम्स, अल्कोहल्स, बहुत कुछ मिलते हैं। बट सारे पेमेंट्स हम लोग को यूरो में करना पड़ता है। मैं तो कुछ लेने वाला हूँ नहीं, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। परफ्यूम्स है, ये भी परफ्यूम, सारे लगभग परफ्यूम्स ही है। ये एरिया पूरा परफ्यूम एरिया है। गाइस ये पूरा एरिया अल्कोहल, चॉकलेट्स और वाइन वगैरह का, पता नहीं कौन कौन सा ब्रांड है, महंगे महंगे। गाइस ये है रशियन सोवेनियर्स, बट ये बहुत महंगे होते हैं, एक एक डॉल लगभग 9,000 की होती है। अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है, शायद मुझे तो नहीं चाहिए। यहाँ की फेमस, अगर आप विज़िट कर रहे हैं रशिया तो ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बाहर से लेंगे तो और सस्ता पड़ेगा। ये भी चॉकलेट्स हैं, काफ़ी कॉस्टली है, ये 1900 का है, 19 यूरो। गाइस फाइनली सब कुछ करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने गेट की तरफ। मेरा गेट है 125, और सामने ये ज़्यादा चलना नहीं पड़ा यार, मेरी सामने 124 और 125। अभी चल के यहाँ कुछ खाते वाते हैं, फिर वेट करता हूँ मैं। अभी तो 4 घंटे हैं फ्लाइट को, ठीक है। बाकी मैं दिखाता हूँ विंडो से फ्लाइट के नज़ारे, सब लोग वेट कर रहे हैं उधर ही। और ये सारे लोग इंडियन से हैं ऑलमोस्ट, सब लोग वैकेशन पे जा रहे हैं अपने घर। और फाइनली गाइस बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, इतनी खुशी हो रही भाई, इंडिया जा रहा हूँ मैं। तो चलो फटाफट बोर्ड करते हैं प्लेन को। फाइनली मैं फ्लाइट को बोर्ड कर रहा हूँ, चलते हैं फटाफट फ्लाइट में, दिखाता हूँ आपको फ्लाइट। ये रही फ्लाइट, ये रही हम लोग 777, और हम चल रहे हैं अंदर बोर्ड करने के लिए।
करके अपने अंदर जाकर दिखाता हूँ। Здравствуйте, 43. А, сюда, пожалуйста. तो गाइस अभी अभी ड्रिंक्स ऑफर किए गए हैं और इन मोहतरमा ने दिया हमें अभी को, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी और फिर कुछ टाइम पर डिनर भी आ गया और मैंने लिया था लैम यानी मटन और ये कुछ फ्रूट्स है, ब्रेड था और ये कुछ ये सैलेड था, रशियन सैलेड। और गाइस ये है एरोप्लेन की टॉयलेट और ये मैं हूँ और कुछ ऐसा दिखता है टॉयलेट, काफ़ी क्लीन है। और गाइस हम लोग का प्लेन कुछ ही टाइम में लैंड करने वाला है दिल्ली में, देख सकते हैं मैप पे काफ़ी नज़दीक हम लोग आ गए दिल्ली के। कुछ ऐसा है बाहर का व्यू, अभी काफ़ी अंधेरा है तो लग रहा है दिवाली। फाइनली गाइस हम लोग का प्लेन लैंड हो चुका है। अराइव हो चुका हूँ IGI एयरपोर्ट पे दिल्ली में, अभी हो रहा है रात के 3, काफ़ी थक गया हूँ मैं क्योंकि रात भर सोया भी नहीं ना। चलो चलते हैं फटाफट, बैगेज क्लेम करते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं और फिर होटल चल के आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट यहाँ का। ये गाइस इतनी गंदी वाली नींद आ रही है, क्या बताऊँ, बहुत तगड़ा नींद आ रहा है। पहुंच गए हैं अराइवल पे और ये रहा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है भारत में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। ये थैंक यू। और ये सामने इमिग्रेशन वीडियो बना के क्या कर रहे हैं? तो गाइस अभी मैं इमिग्रेशन क्लियर करवा के फिर आपसे मिलता हूँ D2 फ्री एरिया में, ठीक है। पैकेज कलेक्शन एरिया बेल्ट है सब।
गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम फ्रॉम इंडिया। तो मैं फाइनली रात में आ चुका था, बाकी वहाँ से मैंने एयरपोर्ट में कस्टम क्लियरेंस के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी था यार, बहुत हद से ज़्यादा गर्मी था, दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो मैं फटाफट अपने होटल आ गया और यहाँ पे मैं 5-6 घंटा सो रहा था मस्त। तो अभी मैं निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन के लिए क्योंकि यहाँ से मुझे जाना है ट्रेन से अपने घर जो कि है गोरखपुर में। तो चलो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग पे, स्टे ट्यून्ड और चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। चलो बाय बाय।